अयोध्या में जहाँ रामलला बैठे हैं, जो तीन जजों की बेंच थी, उसका भी यही मत था कि रामलला का स्थान जो है वो रामलला का ही है। उमा भारती स्वर्गीय विजय राजे सिंधिया के मार्गदर्शन में ग्वालियर आई और यह अपनी युवावस्था से ही बीजेपी से जुड़ गई थी। राजमाता विजय राजे सिंधिया। उमा भारती 1992 में अयोध्या की घटना के समय खजुराहो संसदीय क्षेत्र से सांसद थी। मंदिर तो बनता रहेगा, बनेगा, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा कि कलंक का ढांचा जो है सबसे पहले समाप्त हो जाना चाहिए। उमा भारती अयोध्या में उस समय मौजूद थी जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया था। कुछ समय बाद लिब्राहम आयोग ने भी उमा भारती को इस घटना में आरोपी बनाया था। क्या पूर्ण संयम नियम का पालन करेंगे, शांति बनाए रखेंगे, फिर 6 तारीख को जैसा धर्माचारी कहेंगे वैसा ही करेंगे। उमा भारती 1990 के अयोध्या आंदोलन में अपनी भूमिका को रिपोर्टर से खुलकर बताती हैं। उमा भारती और विनय कटियार को प्रत्यक्ष रूप से अयोध्या में 2 कार सेवकों के समूह को संचालित करने की जिम्मेदारी दी गई थी। यह अपने समूह के उस कठिनाई में भी साथ खड़ी रही, जबकि विनय कटियार अपने समूह को छोड़कर भाग खड़ा हुआ, जिसके कारण कई मौतें हुई। केवल साक्षी महाराज ही ऐसे शख्स नहीं हैं जिन्होंने कोठारी बंधु को निशाना बनाए जाने पर सवाल उठाए। उमा भारती भी संदेह व्यक्त करते हुए कोठारी बंधु की मौत पर सवाल उठाती हैं और इसके लिए विनय कटियार को दोषी ठहराती हैं। उमा भारती के अनुसार विनय कटियार कार सेवकों के उस समूह का नेतृत्व कर रहे थे जिसमें कोठारी बंधु थे। जब गोलीबारी शुरू हुई, विनय कटियार ने उन्हें वैसे ही छोड़ दिया। ये कोठारी बंधु चारे जो जिन्होंने पता उनकी विचारों की समझ में नहीं आया क्या करना है। लीडर नहीं था उस जगह पे, 2-2.5 हजार लोग थे उसमें, लीडर था लेकिन कहना नहीं चाहिए, उसमें विनय कट गया, विनय भाग गया जी। नहीं लेता जी, विनय कट गया कुछ मदद जी, लीडर को ना छोड़ना नहीं चाहिए मौका जी। तो विनय भाग गया जैसे बोली चले, हम तो बोली थे तो कुछ हमें खड़े रहे, हमारे ऊपर भी फायर हुए थे, हवाई फायर हो रहे थे, हम सांसद थे तो उनको डर भी लग रहा था हमको मार देगा। और मैं बात कर मैंने क्या मैंने पूरे टाइम बातचीत की एसडीएम से, डीएसपी से बातचीत करने से क्या होता है चीजें रुकती हैं, ऐसे करते हैं ऐसे करते हैं, वो आप भी यहाँ से हैं कर्फ्यू में आप कैसे आ गए, अच्छा अच्छा उठे जाते हैं थोड़ी देर बैठने लोग ऐसे, उससे क्या होता है कि उनका टेंशन खत्म होता है ना सामने वाले का। कोठारी बंधु बात हम रिकॉर्ड नहीं बोलती हूँ लेकिन सबको पता है कि एक जत्था मुझे दिया गया था एक विनय को जी। तो जो लोग मरे थे विनय कटियार की गलती, गलती भी नहीं, वो भगदड़ मची, वो गली छोटी थोड़ी छोटी गलती मतलब भाग दिया वो छोड़ के उन लोगों जी, भाग दिया तो लोगों के समझ में नहीं आया कि हम जाएं कहां जी, तो वो उसी तरफ भाग दिए जिधर की पुलिस खड़ी, हम समझ गए ना बात जी जी जी। लोग नष्ट हो जाएं, इस शेर को कोई मतलब नहीं, इनको मतलब पैसा मिले कुर्सी मिले।